ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर, जहां रांची के धुरवा स्थित एचईसी में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को पिछले 18 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर कई महीनों से पदाधिकारी एवं कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी को लेकर इंडिया गठबंधन के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन जाकर महामहिम सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है और वर्तमान हालात एवं कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान विषय को लेकर तत्काल केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आग्रह किया है। और प्रतिनिधि मंडल में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी के अलावा कई नेता शामिल रहे। इस मौके पर राज्यपाल ने अपने ओर से पेपर्स की मांग की और साथ ही भरोसा दिलाया है कि उनकी समस्याओं को लेकर वह प्रधानमंत्री एवं अन्य संबंधित मंत्रियों से बातचीत करेंगे। इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल नहीं है वहाँ पर, और क्या आप उसको सिक इंडस्ट्री घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या उसको प्राइवेट के हाथों देना चाहते हैं? जैसा कि वहाँ के आंदोलनकारी साथियों का ये कहना है कि शायद उनकी आशंका है कि जिस तरह से रेलवे और एयरपोर्ट, हवाई जहाज सब चीज़ प्राइवेट को दिया जा रहा है प्राइवेट के हाथों, क्या केंद्र सरकार इसको भी तैयारी कर रही है देने के लिए? किया है केंद्र सरकार और वहाँ के मजदूर परब आ रहा है, लगातार परब आ रहा है। 18 महीने से, 1.5 वर्ष से वेतन नहीं मिला है, वहाँ के पदाधिकारियों को वेतन नहीं मिला है। चिमनी जो था वो बंद हो गया, 3 चिमनी HEC का बंद हो गया।